नमस्कार, मैं हूँ हीना और डिसेंट आर्ट बाय हीना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिससे आपको बहुत लाभ होगा, जो कि हमारे इस वाइपर के लिए है कि ये वाइपर जो है हमारे अक्सर टूटते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बड़ा परेशान रहते हैं क्योंकि हमें थोड़े थोड़े दिनों के बाद दूसरा वाइपर खरीदना ही पड़ता है। तो मैं बता रही हूँ आपको कि ये टूटता क्यों है। अब देखो, ये हमारा जो वाइपर है वो हमेशा यहाँ से अंदर से टूटता है क्योंकि उसमें जंग लग जाता है तो वो टूट जाता है। देखो, पहले मैं बताऊँगा आपको कि ये वाइपर जो है वो चाहे लकड़ी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, वो यहीं से ही टूटता है। जो प्लास्टिक का होता है वो तो कई बार बीच में से भी टूट जाता है, लेकिन जो लोहे उसका होता है, स्टील का, एल्युमिनियम का या लकड़ी का, वो हमेशा अंदर से यहाँ से ही टूटता है, जहाँ पे इसकी ये चूड़ियाँ डली हुई होती हैं। तो वो टूटता क्यों है, ये देखो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर यदि पानी डला हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको पानी डाल के दिखा रही हूँ। अब ये बाथरूम में ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर पानी तो गिरेगा ही, ठीक है। पानी जो गिर जाता है वो अंदर पानी पड़ा रहता है, जिसकी वजह से अंदर जंग लग जाता है और ये वाइपर यहाँ से टूट जाता है। जबकि हमारा ये नीचे का पोर्शन भी और ये ऊपर से भी बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन इसमें जंग लग के टूटने की वजह से ही हमें ये गिरना पड़ता है। तो हमें क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पानी ना पड़ा रहे। तो इसलिए ये देखो, ऐसे इसको उल्टा कर दो और अब देखो इसमें से जो पानी था वो निकल गया, ठीक है, मेरा हाथ ये गीला हो गया, पानी जो था निकल गया। तो क्या करें, या तो एक मिनट के लिए हम इसको ऐसे रख दें ताकि ये पानी निकल जाए, या हमेशा ही इसको ऐसे उल्टा रख दें ताकि इसका पानी निकलता रहे, इसके अंदर इकट्ठा ना हो, ठीक है। एक तो ये है, बहुत बढ़िया टेक्निक है, इससे आपका जो है वाइपर बचा रहेगा टूटने से, कभी भी नहीं टूटेगा। मैं तो कह रही हूँ कि ये मैंने करके देखा है, इससे बिल्कुल नहीं टूटता है, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका है, वो ये है टेप। इसको टेप को लीजिए ऐसे और यहाँ पे टेप को लपेट लो, ऐसे करके इसको लपेट लीजिए। यहाँ मैं ऊपर भी लगा रही हूँ और नीचे भी लगा रही हूँ, ऐसे लगा लिया। अब देखो ये यहां से बंद हो गया और अब इसमें पानी नहीं जाएगा, और पानी नहीं जाएगा तो ये गलेगा नहीं, बिल्कुल हमारा सही रहेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो अपने वाइपर को बचाने के लिए कि आपका सालों साल वाइपर चलेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। और तीसरी टेक्निक क्या है कि जो इसके जब हम खरीदते हैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी चढ़ी हुई होती है, उसको हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की पन्नी को यहाँ पे बांध देंगे, ठीक है, जो ये लंबी होती है यहाँ तक आती है वो, तो उसको यहाँ पे या तो टेप से टाइट कर दें या फिर रबड़ बैंड लगा लें या किसी भी तरीके से या कुछ बांध दें, यहाँ से बांध देंगे तो फिर इसमें पानी नहीं जाएगा, जिससे हमारा वाइपर जो है वो ठीक रहेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताई है वाइपर की, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपको, जिससे आपको लाभ होगा। आप ये अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में सबको शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल डिसेंट आर्ट बाय हीना को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।